टेस्ट कैसा आता है? अच्छा आता है। 5 रुपए में खाता था बड़े, अभी 30 रुपए हो गया है। तो है गाइज, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आप लोगों ने फूड ब्लॉग पे अच्छा खासा रिस्पांस दिए हैं, उसी को लेकर मैं आज निकल पर रहा हूं एक और फूड ब्लॉग लेके आप लोगों के बीच। तो गाइज, आज का ब्लॉग होने वाला है साहू समोसा, जो कि राठौर चौक में है। और वहाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ कि गूगल मैप में चेक कर रहा था, ठीक है? तो गूगल हो गया, गूगल मैप में हो गया, रिव्यू जो है ना काफ़ी उमदा क्वालिटी का लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है आपका साहू समोसा का। तो सोचा क्यों ना वहाँ जाया जाए और देखा जाए क्या क्या मिलता है स्पेशल, और क्या प्राइसेस है, टेस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसा है, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को इसी ब्लॉग में। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहो, और अच्छा लगता है तो पता है ना क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। Few moments later. तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं राठौर चौक के पास। पीछे देख सकते हो ये आपका राठौर चौक, यहाँ मेंशन होगा राठौर चौक। इसके बाजू में देखोगे ना, देखो वहाँ बोर्ड पे लिखा भी है साहू नाश्ता सेंटर। साहू नाश्ता सेंटर, प्राइस की बात करो हाफ है 15, फूल है 30, दही बड़ा लोगे तो 20 और 35, और पोहा लोगे तो 15 और 25 है ना सर? तो आपका बेस्ट क्या है? सब है सर, सब है। 1300 आपको थोड़ी हाफ खिला दो, बैठने का सुविधा नहीं है यहाँ? बैठने का नहीं, चलो कोई नहीं, खिला दो भैया के लिए। चरम का चोरी बनाओ सिंगल। कब से चल रहा है शॉप ये आपका, कितना पुराना हो गया? 30 साल। लोग कंटिन्यू खा रहे हैं? टेस्ट हाँ बढ़िया। वो तो ग्राहक से पूछो, नवरात्रि करके बाजार सन्नाटा है। हाँ। लोग उपास है आज, हवल है। मैं भी देखा था ना, मैं देखा था गूगल में, इसलिए मैं आया। अच्छा, आप कहाँ से बेटा? आपके सब ओपन कब होता है? 7:10 को चालू हो जाता है पोहा से। 7 बजे सुबह से? हाँ सुबह 7:10 7:10:15 में चालू हो जाता है। रात को बंद कब होगा? 8:30 बजे। 8:30 बजे भाई, जिनका रिव्यू था ना, रिव्यू में काफ़ी बढ़िया देखा था। सुबह 7 बजे ओपन हो जाएगा, रात को चलेगा आपका 8:30 बजे। लोकेशन फिर से बता दूँ, राठौर चौक याद रखना, और जो डायरेक्ट लोकेशन है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ चेकआउट कर लेना। चलो मेरा फर्स्ट टाइम है, ट्राई करके आप लोगों को बताता हूँ। बढ़िया है, दही है ना, प्योर दही है, खट्टा मीठा दोनों टेस्ट आ रहे हैं। तो आप लोग अगर रायपुर से हो ना तो यहाँ बिल्कुल एक बार विजिट करो, मज़ा आएगा। तो भैया आप समोसा के बारे में कुछ बताइए, कब से खा रहे भैया के पास से साउथ समोसा से? करीब 18 साल। 18 साल से खा रहे? अरे बाप रे, टेस्ट में कुछ फ़र्क आया पहले से लेकर अभी तक में? कुछ नहीं, बढ़िया टेस्ट लगता है, उसी जगह और हमेशा खाते आ रहे हैं। तो गाइस लाइव रिव्यू देखो, अगर आप लोग रायपुर से हो तो बिल्कुल विजिट करो। आपको कैसा लगा भैया कचौड़ी इनका? बढ़िया है, तो देख लो बहुत सारे लोग आए हैं। 5 रुपए में खाता था बड़े, अभी 30 रुपए हो गया है। 5 रुपए से स्टार्ट किए थे खाना और आज 30 रुपए हो गया है। अच्छा लगता है। मैं आप कब से यहाँ आ रही लेके जाने के लिए साहू समोसा के पास से? 8-10 साल। 8-10 साल। टेस्ट कैसा आता है? अच्छा आता है। और प्राइस भी ठीक है ना? चलिए थैंक यू। भाई जब लोग लाइव रिव्यू देख सकते हो, लोग 5 रुपए से खाना स्टार्ट किए थे और आज 30 रुपए हो गया है। आप लोगों को बता दो, पूरा धूप का समय है, टाइम की बात करो 3 बजा है, पूरा धूप में है, फिर भी देखो कितने सारे लोग आए हुए यहाँ खाने के लिए, आगे पीछे पूरा, जबकि बैठने का सुविधा नहीं है बाहर, बस लोग लेके ही खा रहे, उसके बाद भी इतना भीड़ लगा हुआ है। अपन भी चले गए थे समोसा। सर हुआ क्या समोसा, एक मिनट आप खाओ। तो गाइस देखो इधर पानी की सुविधा है, और अगर आपको पानी नॉर्मल पीना होना फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो फ्री कॉस्ट में आपका पानी गाइस इधर अवेलेबल है। ऐसा एक मशीन लगा हुआ है पानी वाला, जहाँ से ठंडा पानी आपको फ्री में मिलता है। और आज थोड़ा सा कुछ आप लोगों को सीन भी दिखाता हूँ, जहाँ कचौड़ी बनाया जा रहा है। तो यहाँ हो रहा है मैनुफैक्चरिंग कचौड़ी का। अभी अपने कैमरे को सेटअप कर दिया स्कूटी में, और स्कूटी में सेटअप करने के बाद थोड़ा सा मुझे भी खाने का मौका मिला है, और साथ ही साथ आप लोगों को रिव्यू भी बताऊंगा। तो ये है कुछ समोसा, आप लोगों को दिखाता हूँ। और समोसा के अंदर देखो कितना बढ़िया बढ़िया फ्लेवर है, साथ ही साथ इनका मसाला है, और मसाले के साथ ऊपर से भुजिया है, और उसके बाद दही भी अवेलेबल है, ग्रीन चटनी भी ऐसा मुझे लग रहा है डाला हुआ है। तो चलो इसको खाते हैं, और खाने के बाद आप लोगों को समोसा का भी रिव्यू देता हूँ। तो पहले अपने गोपरों के यार यहाँ सेव कर लेते हैं, और अगर आपको साउंड कम सुनाई दे रहा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मेन चौक के पास हूँ, हो सकता है नॉइज़ कुछ ज़्यादा है।
तो ये पहला बाइट समोसा का। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये समोसा देख रहे हो ना, इसमें जैसे मैं चम्मच टच कर रहा हूँ ना, समोसा कट जा रहा है, इतना बढ़िया, मतलब मेल्ट हो जाए ना, पूछो मत। सबसे बढ़िया बात इसे मेल्ट बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से हो रहा है। बाकी जगह का जो समोसा होता है ना, हार्ड होता है, करा होता है, उसको मतलब च्यू करना पड़ता है ज़्यादा, लेकिन ये समोसा मतलब अलग लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल है। फुल पैसा वसूल है। इतना बड़ा डस्टबिन है और ये फुल हो चुका है आपका 2 बजे तक। अभी शाम तक उसको कचरा निकाला जाएगा, फिर से फेंका जाएगा, तब लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना यहाँ का सेल हो रहा है। तो गाइस जस्ट अभी मैं वहाँ से निकला समोसा और कचौड़ी खाकर, 15 रुपये में एक पीस आपको मिल रहा था, हाफ प्लेट में एक ही पीस मिलता है, फुल प्लेट में 2 पीस और फुल प्लेट का प्राइस था 30 रुपये। प्राइस के हिसाब से बताना चाहूँ गाइस तो 5 में मैं 5 देना चाहूँगा। रेटिंग पूरा फुल है मेरे तरफ से, क्योंकि यार गजब का टेस्ट था वहाँ, एकदम गरम गरम, प्लस इतने सारे लोग आए थे खाने के लिए, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी रायपुर से बिलोंग करते हो ना, तो आप लोग भी वहाँ आओ, विजिट करो, देखो, मज़ा आएगा। लोकेशन स्टेशन रोड के तरफ है, गूगल मैप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो, आसानी से पहुँच सकते हो। और ख़ास बात बताऊँ उनके समोसे के बारे में, समोसा मतलब इतना अच्छा था ना कि चम्मच रखते हैं एकदम मेल्ट हो जा रहा था। बाकी जगह समोसा खाते तो वहाँ थोड़ा सा उसको च्यूइंग करना पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, कॉर्नर भी उसका समोसा का हार्ड ही होता है, लेकिन इनका इतना बेहतरीन था ना कि यार मतलब चम्मच लगाओ और एकदम समोसा मेल्ट हो जाता, मुंह में जाने के बाद तो और भी मेल्ट हो जा रहा था, तो मज़ा आया यार खाकर मुझे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं। आई होप गाइज कि आप लोग को अच्छा लगा ये ब्लॉग, और आप लोग और भी कहीं रायपुर में कोई फूड ब्लॉग देखना चाहते हो तो बस कमेंट करो, मैं वहाँ जाकर पहुँच के ब्लॉग बना दूंगा। तो मिलेंगे गाइज आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।